हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1 ऑफ योर अर्थमैटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? आपको बताने कई सारी सीरीज दे रखी हैं, आपको बताने कौन सी सीरीज AP में है। एंड इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो एक AP का को फॉर्म कर रही हैं, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस और राइट थ्री मोर टर्म और उसके बाद के थ्री टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16, तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये AP है कि नहीं। अगर ये AP होगा तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस और फिर उसके बाद आपको इसके बाद के थ्री टर्म्स और लिखने हैं। सो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को AP बताने के लिए, किसी भी सीरीज को AP बोलने के लिए क्या जरूरी है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना जरूरी है, ओके। सो ये देखिए आप, इफ सीरीज आर इन AP, वही मैंने लिख रखा है, इफ सीरीज आर इन AP देन कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ओके। तो आपको कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। सो जैसे मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस से निकलता है, मींस 4 - 2, 8 - 4, 16 - 8। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी इक्वल टू a2 - a1 या a3 - a2 या आप a4 - a3 लिख सकते हो। आपको बस यही चेक करना है कि क्या कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। अगर होगा तो AP में है, अगर नहीं होगा तो AP में नहीं है। तो मैंने क्या किया, D निकालने के लिए a2 - a1 या a3 - a2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जैसा मैंने बताया था कि जब आप D निकाल रहे होगे तो फर्स्ट टर्म को a1 लिखोगे, अदरवाइज आप हर जगह फर्स्ट टर्म को a लिखोगे। सो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 4 - 2 वी गेट 2 एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 - 4 वी गेट 4। तो यहाँ देखोगे आप कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये जो सीरीज है आपकी वो AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे नहीं, आगे का काम करेंगे नहीं। नाउ सेकेंड पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2, ओके। सो डी आप सबसे पहले वही करोगे, आपको डी निकालना है, तो a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। सो a2 कितना है, 5/2 और a1 कितना है, 2। सो 5/2 - 2 एंड a3 - a2, सो 3 - 5/2। सो 5/2 - 2 वी गेट 1/2 एंड 3 - 5/2 वी गेट 1/2 अगेन। आप यहाँ पे देखोगे कि सेम चीजें आपको मिल रही हैं, कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है ना। तो ये जो आपकी सीरीज है ये AP में है, मतलब ये AP को फॉर्म कर रही है सीरीज, आपको ये सीरीज आपकी AP का फॉर्मेशन कर रही है, ओके। जब आपका D निकल आया तो आपको अभी आप तो गिवन सीरीज आर इन AP आप ऐसे लिखोगे एंड D कॉमन डिफरेंस पूछा था कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो नंबर, वो सीरीज आपकी AP में है, और अगर सीरीज AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट थ्री टर्म को निकालना था। तो सो गिवन नंबर आर इन AP या गिवन सीरीज आर इन AP एंड D कितना आया, 1/2, तो हमने लिख दिया D = a2 - a1 = 1/2। नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स अब हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट थ्री टर्म, सो a5, a6 एंड a7। सो a5 कैसे निकलेगा, a4 + d मीन 7/2 + 1/2 वी गेट 4। a6 कैसे निकालेंगे, a5 + d। a6 निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में d ऐड करेंगे, a5 निकालने के लिए फोर्थ टर्म में d ऐड करेंगे। ऐसे ही तो बढ़ता है AP, हर एक टर्म दूसरे टर्म से d डिफर करता है। और a7 निकालने के लिए a6 + d करेंगे। तो यहाँ पे 7/4, क्योंकि फोर्थ टर्म तो 7/4 था और d कितना है, 1/2, ऐड करेंगे 4। a6 निकालने के लिए a5 + d, a5 कितना आया, 4 आया और d 1/2, वी गेट 9/2। a7 a6 + d, a6 कितना आया, 9/2 और d कितना है, 1/2। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 5। थर्ड पार्ट, -1/2, 1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। सो डी आप निकालोगे तो a2 - a1 = a3 - a2 से निकालोगे। जो डी आप निकालोगे a2 - a1 या a3 - a2 जैसे हम यूजुअल करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। सो a2 - 3.2 माइनस और a कितना है, -1.2। सिमिलरली a3 - 5.2, a2 - 3.2 और ये माइनस यहाँ से, ओके। माइनस माइनस प्लस, सो -3.2 + 1.2 एंड -5.2 -3.2। जब आप यहाँ सॉल्व करोगे प्लस माइनस तो यू गेट -2, और यहाँ सॉल्व करोगे तो यू ऑल्सो गेट
माइनस टू। तो आप देखोगे यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो आप लिख दोगे सो गिवन सीरीज आर इन एपी, गिवन सीरीज आर इन एपी। एंड डी क्या क्या होगा, डी की वैल्यू आपको, आप डी पहले ही कैलकुलेट रखे हो तो आप यहाँ पे एक बार और शो करोगे कि डी कैसे निकाला है आपने। तो डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस माइनस वन पॉइंट टू, यू गेट माइनस टू। ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन आपको अब कैलकुलेट करना है। तो ए फाइव कैसे निकलेगा, ए फोर प्लस डी, ए फोर की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का सेवन पॉइंट टू, तो माइनस का सेवन पॉइंट टू प्लस और डी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, ऑन सॉल्विंग वी गेट माइनस नाइन पॉइंट टू। सिमिलरली ए सिक्स ए फाइव प्लस डी माइनस नाइन पॉइंट टू, क्योंकि ए फाइव की वैल्यू आप पुट करोगे प्लस माइनस टू माइनस इलेवन पॉइंट टू। ए सेवन ए सिक्स प्लस डी माइनस इलेवन पॉइंट टू प्लस माइनस टू, वी गेट माइनस थर्टीन पॉइंट टू। ओके फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क, आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको यहाँ पे पहले देखना है कि ये क्या कॉमन, पहले आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो आपका ये सीरीज एपी में होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, और अगर सीरीज एपी में होगा तो आपको डी एक बार और शो करना होगा जैसे मैंने शो किया है। फिर आपको नेक्स्ट फाइव टर्म निकालने होंगे इसके लिए भी, ए फाइव ए सिक्स ए सेवन। ओके फिफ्थ पार्ट करते हैं, थ्री थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू और थ्री प्लस थ्री रूट टू। सो सबसे पहले जैसे हम करते थे डी, पहले डी चेक करेंगे सेम है कि नहीं सबके बीच में। सो ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, सो थ्री प्लस रूट टू, क्योंकि ए टू की वैल्यू थ्री प्लस रूट टू है और ए वन थ्री है, सो थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री। अब यहाँ पर थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू, सो ऑन सॉल्विंग आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रूट टू बचेगा। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ माइनस थ्री यहाँ माइनस रूट टू, तो माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा और टू रूट टू माइनस रूट टू बचेगा। अब रूट टू जब आप कॉमन करोगे तो आपके पास बचेगा टू माइनस वन, टू माइनस वन मीन्स वन, वन इंटू रूट टू टू रूट टू सॉरी, तो रूट टू इधर भी रूट टू इधर भी, यानी आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो गिवन सीरीज आप ऐसे लिखोगे, गिवन सीरीज आर इन एपी एंड डी की वैल्यू आप यहाँ लिख दो, और डी कितना है रूट टू। ओके नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन, सो ए फाइव के लिए ए फोर प्लस डी, ए सिक्स के लिए ए फाइव प्लस डी एंड ए सेवन के लिए ए सिक्स प्लस डी, और ए फोर प्लस डी, ए फोर ए फोर ये है, सो थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट टू। तो यहाँ पे आप देखोगे जब ऐड करोगे तो थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट टू फोर रूट टू, तो थ्री प्लस फोर रूट टू। नाउ ए फाइव प्लस डी, थ्री प्लस फोर रूट टू ये वैल्यू ए फाइव की और प्लस रूट टू यानी थ्री प्लस फाइव रूट टू। ए सेवन ए सिक्स प्लस डी, थ्री प्लस फाइव रूट टू प्लस रूट टू मीन्स थ्री प्लस सिक्स रूट टू। ओके नाउ सिक्स्थ, सिक्स्थ पार्ट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू 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 पॉइंट टू 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 एंड सो ऑन। ओके सो डी की वैल्यू क्या है, आप यहां देखो डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, डी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट टू टू माइनस पॉइंट टू पॉइंट जीरो टू आएगा। यहाँ जब आप ए थ्री माइनस ए टू करोगे पॉइंट टू टू माइनस पॉइंट टू टू, तो आप यहाँ करोगे तो यहाँ आएगा पॉइंट जीरो जीरो टू। तो आप यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये ए पी का फॉर्म नहीं करा, मैंने नो लिख दिया, ए पी का कोई फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, ये सीरीज ए पी नहीं बना रही है। नाउ सेवन पार्ट, जीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व, सो डी आप कैलकुलेट करोगे तो ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, ए टू माइनस फोर माइनस ये ए वन जीरो, सो माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर, ए थ्री माइनस एट माइनस और ए टू की वैल्यू माइनस फोर, सो माइनस माइनस प्लस फोर, सो माइनस फोर और हेयर वी गेट माइनस फोर अगेन, सो वी गेट माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर। सो गिवन सीरीज आर इन ए पी एंड डी इक्वल टू माइनस फोर, और जो आपकी डी है वो माइनस फोर है, क्लियर है। ए फाइव ए फोर प्लस डी माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, ऐसे ही होगा डी की वैल्यू। आपने ये लिख दिया कि भाई ये सीरीज आपकी एपी में है और आपने डी लिख दिया कि भाई डी की जो वैल्यू है वो माइनस फोर है। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन, सो ए फाइव कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ए फोर, सो ए फोर प्लस डी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए फोर माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व प्लस प्लस और वॉट इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस फोर, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्सटीन। सिमिलरली ए फाइव प्लस डी, ए सिक्स निकालने के लिए माइनस सिक्सटीन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी, सिमिलरली ए सेवन माइनस ट्वेंटी फोर। ओके तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है इन सब क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर एट्थ,
8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो सिंपल आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है, जीरो है। तो डी इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि हर जगह -1/2 है। तो -1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 कैंसिल, वी गेट जीरो। सिमिलरली हियर वी गेट जीरो ऑल्सो, तो जीरो डिफरेंस आया। तो ए फाइव टर्म क्या होगा, आप कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, वो कितना है जीरो। तो गिवन सीरीज आ रही है ए पी और डी, कितना है जीरो। ए फाइव ए फोर प्लस डी, तो जीरो किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो नंबर तो वही रहेगा, तो आपके आगे के सारे नंबर -1/2 ही आएंगे, -1/2 -1/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विल आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 11 पार्ट सॉरी, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर एंड सो ऑन। सो डी निकालोगे आप, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। सो ए टू ए स्क्वायर माइनस ए, ए थ्री ए क्यूब माइनस, और ए टू ए स्क्वायर। यहां से आप ए कॉमन करोगे तो यू गेट ए माइनस वन, और यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो यू गेट ए माइनस वन। ओके, ये वैल्यू तो यहां पे आप लिख दोगे नो, यहां पे आप लिख दोगे नो, क्योंकि ये देखो आप एपी में है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, आपको फर्स्ट टर्म कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। नाउ 11th पार्ट, रूट टू प्लस रूट एट प्लस रूट 18 प्लस रूट 32। सो डी निकालो आप, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, रूट एट माइनस रूट टू, रूट 18 माइनस रूट एट। रूट एट को टू रूट टू लिखा जा सकता है, माइनस रूट टू, रूट 18 को थ्री रूट टू लिखा जा सकता है, माइनस टू रूट टू। ओके, आप यहां से आप रूट टू कॉमन करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये रूट टू, आप रूट टू रूट टू में रूट टू गया तो आपके पास बचा रूट टू, और थ्री रूट टू में टू रूट टू गया, आपके पास रूट टू बचा। तो डी यहां पर देखो आप सेम आ गया। सो गिवन सीरीज आर इन एपी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन। सो ए फोर रूट 32 प्लस रूट टू, क्योंकि ए फोर तो रूट 32 है, प्लस रूट टू, रूट 32 को हम फोर रूट टू लिख सकते हैं सिंपल एडिशन के लिए, आपके एडिशन आसान हो जाएगा। तो फोर रूट टू प्लस रूट टू फाइव रूट टू, और फाइव रूट टू को आप रूट 50 लिख सकते हो। सिमिलरली ए सिक्स ए फाइव प्लस डी, यानी ए फाइव क्या है, फाइव रूट टू, ये लिखो, रूट 50 मत लिखो क्योंकि आप एड आसानी से हो जाएगा। तो फाइव रूट टू प्लस रूट टू सिक्स रूट टू, और सिक्स रूट टू को रूट 72 लिखा जा सकता है। नाउ ए सेवन ए सिक्स प्लस डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सिक्स, वैल्यू ऑफ ए सिक्स इज रूट 72 मीन्स सिक्स रूट टू, एंड सिक्स रूट टू प्लस रूट टू रूट सेवन रूट टू, एंड सेवन रूट टू कैन बी रिटन एज रूट 98। ओके, नाउ 12th पार्ट, रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट 12। आप माइनस करोगे ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ देखोगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, आप रूट सिक्स को रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, माइनस रूट थ्री। आप यहाँ रूट थ्री कॉमन करोगे रूट टू माइनस वन आएगा। अब इधर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो थ्री इंटू थ्री, और थ्री को क्या लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अब जब यहाँ रूट थ्री कॉमन करोगे तो यहाँ आपके पास बचेगा थ्री रूट थ्री, और यहाँ आपके पास बचेगा रूट टू, तो आपके दोनों टर्म बैलेंस नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं होगा। नाउ सिमिलरली 14 पार्ट, सो ए स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर। सो डी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, यानी थ्री स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी गेट एट। जब आप इधर ए थ्री माइनस ए टू करोगे फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर यू गेट 16। तो आप देखो डी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी आप नो लिख दोगे जैसे यहाँ पे नो आया था। नाउ 15 पार्ट, ए स्क्वायर वन स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर 73। सो डी निकालोगे ए टू माइनस ए वन फाइव स्क्वायर माइनस वन यू गेट 24, एंड ए थ्री माइनस ए टू सेवन स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर यू गेट 24। सो आपके देखोगे आप कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो गिवन सीरीज आर इन ए पी, और डी की वैल्यू कितनी है 24। सो ए फाइव आपको कैलकुलेट करना है, ए फोर प्लस डी, तो ए फोर कितना है 73, और उसमें आप डी ऐड कर दो 24, यू गेट 97। ए सिक्स ए फाइव प्लस डी, तो 97 प्लस 24 121। ए सेवन ए सिक्स प्लस डी 121 प्लस 24 145। ओके, वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 5.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।